दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम पर कोरोना का वार हुआ है। ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट दयानंद गरानी भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम नहीं बदलेगा। भारतीय टीम 20 जुलाई से डरहम में प्रैक्टिस मैच खेलेगी। वही खबर ये है कि प्रैक्टिस मैच में ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे और उनकी जगह केएल राहुल विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे। दरअसल पंत के अलावा विकेट कीपर रिद्धिमान शाह को भी आइसोलेशन में रखा गया है, क्योंकि वो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट दयानंद गरानी के संपर्क में आए थे। इसलिए अब विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल के हाथों में होगी। डरहम में होने वाला प्रैक्टिस मैच केएल राहुल के लिए बड़ा मौका है। दरअसल केएल राहुल 2019 के बाद से टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। अगर वो प्रैक्टिस मैच में शतकीय पारी खेलते हैं तो वो प्लेइंग में जगह बना सकते हैं। ये भी देखने वाली बात रहेगी कि टीम मैनेजमेंट केएल राहुल को किस नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारेगा। दरअसल टीम इंडिया मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि केएल राहुल को वो ओपनर के तौर पर नहीं देख रहे हैं। ऐसे में केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। वही दोस्तों ऋषभ पंत इस वक्त होम आइसोलेशन में है। वो इंग्लैंड में मौजूद अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ घर में रुके हुए हैं। बता दें कि ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत भी इन दिनों इंग्लैंड में ही रह रही है और माना जा रहा है कि पंत अपनी बहन के साथ घर पर ही होम आइसोलेशन पूरा कर रहे हैं। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद भारतीय टीम को 20 दिनों तक के लिए बायो बबल से ब्रेक दिया गया था। इस दौरान ऋषभ पंत अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए भी नजर आए थे और फुटबॉल मैच भी खेलने गए थे। इसी दौरान वे कोरोना पॉजिटिव हो गए।